कचरा कलेक्शन के लिए 40 नई ई रिक्शा को विधायक व महापौर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नगर पालिका निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत सफाई व्यवस्था की गतिविधियों को संचालित करने के लिए दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल के प्रयास से 40 ई रिक्शा को शहर की सुंदरता बनाए रखने को लेकर शहर विधायक की मौजूदगी में महापौर और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि ई रिक्शा को बेहतर तरीके से संचालन करने के लिए स्वच्छता कर्मचारियों को प्रशिक्षण पहले ही दे दिया जा चुका है। इसी कड़ी में मंगलवार को विधायक अरुण बुराई में महापौर धीरज बाकलीवाल एवं स्वच्छता विभाग के प्रभारी ने हरी झंडी दिखाकर इस रिक्शा को रवाना किया। गौरतलब है कि स्वच्छता दीदियों द्वारा ई रिक्शे में सूखा कचरा एवं गीले कचरे के लिए अलग अलग डिब्बा बनाया गया है। ई रिक्शा के संचालन से स्वच्छता में एक नई कड़ी जुड़ जाएगी और समय की बचत अलग होगी और साथ ही साथ अधिक से अधिक कचरा संग्रहण का कार्य होगा। स्वच्छता के आयाम में ये रिक्शा बहु उपयोगी साबित होगा। इस संबंध में महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उद्घाटन किया गया, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि दुर्ग नगर निगम स्वच्छता को लेके एक विशेष अभियान चला कर रहा है। उसी तारकत में आज 40 ई रिक्शा हम लोगों ने अलग अलग वार्डो में डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें सूखा कचरा और गीला कचरा के लिए अलग बॉक्स बने और ये ई रिक्शा अलग अलग वार्डों में जाएगा। जो छोटी छोटी समस्याएं आ रही थी, साधनों की हम लोगों को कमी रहती थी, उस कमी को दूर करने का हमारा प्रयास चल रहा है, ताकि जो ध्रुव 14वें रैंक में आया है, हम सब की यही इच्छा है कि आने वाले समय में ध्रुव और अच्छे मैदान में पहुँचे। हमारी इच्छा है कि पहले मैदान में आए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कार्य करने की स्वच्छता को लेकर हम लोग सब कार्य करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।